एंड्री खंड के जैसिंगपुर पंचायत के गांव करमचंद का के दर्जनों बीपीएल परिवारों के लोगों को करीब 10 वर्ष बाद भी उनके लिए दी गई प्लाटों पर कब्जा नहीं मिला है। इस बारे में ग्रामीणों ने संबंधित विभाग को अवगत कराया, लेकिन ग्रामीणों की इस समस्या का विभाग द्वारा कोई समाधान नहीं कराया गया, जिससे ग्रामीणों में संबंधित विभाग के प्रति भारी रोष पनप रहा है। ग्रामीण दीन मोहम्मद सुबेदीन इकबाल चैकम व शरीफन ने बताया कि उनके लिए वर्ष 2009 में पंचायत द्वारा उनके बीपीएल परिवार के लिए प्लाट आवंटित की थी, लेकिन आज तक उनको इन प्लाटों पर कब्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों पूर्व यहां से दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई, जिसमें पंचायत द्वारा दी गई उनकी जमीन भी आ गई। वहीं सरकार द्वारा उनके प्लाटों का मुआवजा पंचायत के खाते में दिया गया, जिससे उनके अपने प्लॉटों पर घर बनाने का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने बताया कि इस बारे में वह पंचायत के साथ संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं गांव के दर्जनों लोगों ने अपनी समस्या को प्रशासन के समक्ष रखा, लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के वर्तमान सरपंच मोहसिन खान ने इस बारे में घोर लापरवाही की है, बल्कि पूर्व सरपंच ने उनके लिए प्लॉट आवंटित की थी, लेकिन वर्तमान सरपंच मोहसिन खान की लापरवाही के कारण उन्हें प्लाटों के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। सरपंच से ये है जी, गरीबन की जो प्लॉट कटी है उनकी अब तक सुनाई नहीं हुई जी। गरीबन को काटी ही हम, इसमें डोलते डोलते धक्का खा गए, बहुत परेशान है। बाला कानून डोलते रहे, भटकते न घर की सुविधा है न किसाई को सुविधा है। जब तुम कही जी जरूर अपन के करेंगे, अब क्या करेंगे, आप कृपा करिए। आप बीपीएल परिवार से हैं? हम बीपीएल परिवार से हैं जी। तो कितने दिन हो गए आपकी जो प्लॉट आपकी रजिस्ट्री तो हो गई, प्लॉट नहीं कटी? जी 5-7 साल हो गया कम से कम, मतलब 5 साल हो गए रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री हुई है तो आपको प्लॉट नहीं मिली अभी? प्लॉट नहीं मिली जनाब, हम केस भी लड़ते रहे, डोलते रहे, उनका कर करके दे रहे हैं जी, पैसा मजदूरी कर करके, जब भी हमारी सुनाई नहीं हुई। ये दूसरा जो है सरपंच है, ये खिलाफ रहे जी हमसे। वही इस बारे में BDPO वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में अभी आया है, इस बारे में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। नूह से जुबैर खान की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।